हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लास में। बच्चों, आज का ये जो वीडियो है क्लास 11th के छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्लास 11th में आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत एक छोटा सा पार्ट आता है जिसका नाम है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन से तीन सा चैप्टर का ना संबंधित है। पहला जो चैप्टर है वह होता है पैराबोला का, दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है इलिप्स, और तीसरा जो चैप्टर है उससे रिलेटेड जो है वह है हाइपरबोला। तो हम लोग बारी बारी से पैराबोला, इलिप्स और ऐसे हाइपरबोला के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बात जो कॉनिक सेक्शन होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि क्या होता है कॉनिक सेक्शन, कि कॉनिक सेक्शन को बिना समझे हम लोग हाइपरबोला, इलिप्स और पैराबोला के बारे में अध्ययन अच्छे से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसमें टर्म्स आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आएगा जो कॉनिक सेक्शन पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा। और कॉनिक सेक्शन से संबंधित यह तीनों पार्ट होता है जिसका नाम है पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं कि क्या कहता है कॉनिक सेक्शन। आज के इस वीडियो में आप लोग अच्छे से जान जाइएगा कि कॉनिक सेक्शन क्या है। कॉनिक सेक्शन को बिना समझे आप पैराबोला के बारे में, इलिप्स के बारे में और हाइपरबोला के बारे में अच्छे से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंतिम तक, आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि कॉनिक सेक्शन क्या है। तो चलिए बताते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कॉनिक सेक्शन क्या होता है। कॉनिक सेक्शन एक टॉपिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक टॉपिक आता है कॉनिक सेक्शन, इसी से संबंधित है पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। तो कॉनिक सेक्शन क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। कॉनिक सेक्शन पहला स्टार है हमारा कॉनिक सेक्शन, कह रहा है कॉनिक सेक्शन इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अच्छे से देखिए, आपको बारीकी से समझाने का प्रयास करें, निश्चित समझ में आएगा। कॉनिक सेक्शन इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। कॉनिक सेक्शन बिंदुओं का एक पथ है, बिंदुओं का एक रास्ता है। कॉनिक सेक्शन बिंदुओं का क्या है, एक रास्ता है। कहता विच मूव्स जो इस प्रकार, कह रहा है कि विच मूव्स सच दैट जो इस प्रकार घूमता है, गति करता है, कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस, कह रहा है कि अनुपात, कह रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, कह रहा है कि उसका जो अनुपात होता है एक फिक्स्ड, कह रहा है कि फिक्स्ड पॉइंट से उसकी दूरी, एंड फिक्स्ड लाइन, कह रहा है कि फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से जो दूरी का अनुपात होता है वो क्या होता है, उसी का अनुपात जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज कॉन्स्टेंट, वो क्या होता है, हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। कॉनिक सेक्शन क्या कहता है, कॉनिक सेक्शन एक प्रकार का बिंदुओं का पथ है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कॉनिक सेक्शन एक प्रकार का बिंदुओं का पथ है जो इस प्रकार घूमती है कि उसमें स्थित जो भी बिंदुए होती है उसकी एक निश्चित बिंदु, उसकी एक निश्चित बिंदु और एक निश्चित रेखा लाइन से उसकी दूरी का जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है, अर्थात कॉन्स्टेंट होता है, नियत होता है। इसी के बारे में कॉनिक सेक्शन कह रहा है। तो आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा, फिर एक बार देख लेते हैं कि कॉनिक सेक्शन क्या है। याद रखिएगा बच्चों, कॉनिक सेक्शन बिंदुओं का एक पथ है, कॉनिक सेक्शन बिंदुओं का एक पथ है जो इस प्रकार, विच मूव्स सच दैट, जो इस प्रकार घूमती है कि उसकी जो दूरी होती है वह कांस्टेंट होती है, ऑलवेज कांस्टेंट, उसकी दूरियों का अनुपात कांस्टेंट होता है। और जो अनुपात होता है कॉनिक सेक्शन में जो बिंदुएं होती है उसका जो अनुपात होता है एक निश्चित बिंदु, एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन से दूरी का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, वही ऑलवेज कांस्टेंट, वो हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। हम आपको आगे फिगर के द्वारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, आगे हम बताएंगे फिगर के द्वारा, कोई बारीकी से समझाएंगे, पुलिस के टर्म को हम लोग समझते हैं, फिर फिगर के द्वारा समझाएंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यह है कॉनिक सेक्शन। अब सेकेंड, इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें का अध्ययन किया जाता है, जो बात इस प्रकार है। पहला जो टॉपिक है वो कह रहा है द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। बाबू, अभी कॉनिक सेक्शन में हम बताएं कि फिक्स्ड बिंदु और फिक्स्ड लाइन से दूरियों का अनुपात निश्चित होता है, तो कह रहा है कि जो फिक्स्ड लाइन जो होती है और फिक्स्ड पॉइंट जो होता है उसका भी तो कुछ नाम होगा। तो पहले हम लोग बिंदु के बारे में देख रहे हैं, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, कह रहा है कि जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। एंड फिक्स्ड लाइन, कह रहा है कि जो फिक्स्ड लाइन जो होती है उसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कॉनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कॉनिक, कह रहा है कि जो बिंदु फिक्स होती है उसको तो हम लोग फोकस बोलते हैं,
और इसके अलावा जो लाइन फिक्स्ड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ क्या बोलते हैं, कोडिंग बोलते हैं। वो जो आपको दो बातों समझ में आ गया होगा कि फोकस जो होता है वो एक निश्चित बिंदु होता है जहां से हम लोग अनुपात लेते हैं, जिस बिंदु से अनुपात के लिए हम लोग काम करते हैं, और लाइन जो होती है लाइन, उसी लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोनिक बोलते हैं। तो दो बात आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, वह सेकेंड जो पॉइंट है उसमें कह रहा है ए लाइन पासेस थ्रू द फोकस। बाबू देखते रहिए, कह रहा है ए लाइन पासेस थ्रू द फोकस, एक रेखा जो फोकस को अगर पास करती है एंड परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्ट्रिक्स, और कह रहा है कि जो डायरेक्ट्रिक्स पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ध्यान दीजिएगा, जो कह रहा है एक लाइन जो फोकस के ऊपर पास करती है एंड डायरेक्ट्रिक्स पर क्या होती है, लंबवत होती है, इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ कोनिक कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? एक्सिस ऑफ कोनिक कहलाती है। कह रहा है एक लाइन, वैसा लाइन जो फोकस के ऊपर गुजरती है और क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स पर लंबवत होती है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ क्या बोलते हैं, कोनिक बोलते हैं बच्चों। अब तीसरा जो पॉइंट है वह कह रहा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक। कह रहा है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कह रहा है कि कटान बिंदु, कटान बिंदु किसका, तो ऑफ कटान बिंदु ऑफ कोनिक एंड, ध्यान दीजिए बच्चों, कोनिक एंड एक्सिस ऑफ कोनिक, अर्थात कोनिक जो होगा से और एक्सिस ऑफ कोनिक का जो कटान बिंदु होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स ऑफ कोनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? वर्टेक्स ऑफ कोनिक बोलेंगे। चौथा जो पॉइंट है काफी महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है, कह रहा है एक कोड, कोड का मतलब जीवा, कह रहा है कि एक कोड पासेस थ्रू द फोकस, कह रहा है एक कोड जो फोकस होकर पास करती है एंड परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस ऑफ कोनिक, और कह रहा है कि वह एक्सिस पर और कोनिक पर क्या होती है, लंबवत होती है, इज कॉल्ड क्या कहलाती है, लैटिस रेक्टम कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? लैटिस रेक्टम कहलाती है। कह रहा है कि वैसा कोड जो फोकस होकर पास करती है और एक्सिस ऑफ कोनिक पर परपेंडिकुलर होती है, क्या कहलाती है, लैटिस रेक्टम कहलाती है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है जो बच्चों पांचवा पॉइंट जो है वो कर रहा है द कांस्टेंट रेशियो। बच्चों आप लोग देखे हैं ऊपर में कि कोनिक सेक्शन आपको समझा है, उसमें हम आपको यह बताया है कि जो कोनिक सेक्शन बिंदु का एक पथ होता है जो इस प्रकार घूमती है, उसमें जो है ना एक फिक्स्ड बिंदु होती है, फिक्स्ड लाइन होती है, उससे क्या है ना उसका जो अनुपात होता है फिक्स्ड होता है, उसी अनुपात को बच्चों हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक। क्या बोलते हैं बच्चों? उसी को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक, अर्थात उसी जो अनुपात होता है जो फिक्स्ड पॉइंट से होता है और फिक्स्ड लाइन से होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक, अर्थात एन कोनिक का इसेंट्रिसिटी कहलाता है। वही लिखे बच्चों द कॉन्स्टेंट रेशियो, कह रहा है कि एक नियत अनुपात, एक नियत अनुपात ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, कह रहा है कि जिसकी दूरी जो होगा फिक्स्ड पॉइंट से एंड फिक्स्ड लाइन से। आपको पता है फिक्स्ड पॉइंट फोकस कहलाती है और फिक्स्ड लाइन जिसे डायरेक्ट क्या कहलाती है, डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है, उसका जो अनुपात होता है वो कहलाता है इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक, अर्थात कोनिकों का इसेंट्रिसिटी कहलाता है। इसेंट्रिसिटी जो होता है उसको डिनोट किया जाता है ई अक्षर के द्वारा, इसके द्वारा डिनोट करते हैं, ई के द्वारा सूचित किया जाता है, इट इज जनरली डिनोटेड बाय ई, इसेंट्रिसिटी में ई है इसलिए इसको ई के द्वारा सूचित किया गया है। अब इसेंट्रिसिटी के मान पर निर्भर करता है कि पैराबोला कौन होगा, हाइपरबोला कौन होगा, इलिप्स कौन होगा। तो देखिए बच्चों इसके अंदर पहला जो टॉपिक है कह रहा है कि इफ ई इक्वल टू वन, कह रहा है ई का मान यदि एक होगा बच्चों, क्या होगा, ई के मान एक होगा तो देन कोनिक इज कॉल्ड पैराबोला, तब कोनिक को हम लोग क्या बोलेंगे, पैराबोला बोलेंगे। सेकेंड जो टॉपिक है बच्चों को कह रहा है यदि ई एक से छोटा होगा, अर्थात ई लेस देन वन, ई एक से छोटा होगा तब कोनिक को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इलिप्स बोलेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक है बच्चों को कह रहा है ई का मान यदि एक से बड़ा होगा, ई का मान क्या होगा, एक से बड़ा होगा, देन कोनिक इज कॉल्ड इज हाइपरबोला, तब कोनिक को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरबोला बोलेंगे। तो बच्चों ये जो तीनों जो पॉइंट है, ये जो तीनों पॉइंट आप जो देख रहे हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, इस सब पर एक चैप्टर आपके बुक में दिया होगा, यह सब एक चैप्टर एक सब टॉपिक है, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, इस सब के बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग आगे करेंगे। अभी फिलहाल हम देख रहे थे कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन में एक टॉपिक आ गया है कि इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक, इसके अंतर्गत जो आते हैं तीन बात, वह है पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, अर्थात ई के मानों पर निर्भर करता है कि पैराबोला कौन होगा, इलिप्स क्या होगा, हाइपरबोला कौन होगा। अगर कभी भी ई का मान यदि एक के बराबर आ जाए तो समझ जाइएगा वह जो कोनिक सेक्शन होता है, कोनिक जो होगा वह क्या कहलाएगा, पैराबोला कहलाएगा।
अगर ये क्रमांक यदि पाई चर मान लेते हैं चार आ गया तो आप देख रहे हैं कि चार जो होता है एक से बड़ा होता है, चार क्या होता है एक से बड़ा होता है, और ई क्रमांक यदि एक से बड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं हाइपरबोला, अर्थात यह जिस कोनिक का है इसेंट्रिसिटी होगा वो क्या दर्शाएगा, यह ना हाइपरबोला को दर्शाएगा। अगर ई क्रमांक यदि पाई चर मान लेते एक बटे चार, देखिए गौर से एक बटे चार वो जो है वो एक से छोटा टर्म है, एक से क्या है छोटा है, तो ई जो है ई का मान एक बटे चार एक से छोटा है, एक से छोटा जैसे ही होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थात यह जो ई बराबर एक बटे चार उस कोनिक को दर्शाएगा जिसका इसेंट्रिसिटी एक से छोटा है, अर्थात वह इलिप्स कहलाएगा। तो बच्चों आपको एक बात तो क्लियर हो गया होगा कि पैराबोला कब होगा, इलिप्स कब होगा, हाइपरबोला कब होगा। अगर आपसे सवाल यह पूछा जाए कि आपके पास एक कोनिक दिया हुआ है, उस कोनिक के लिए बताइए यह कोनिक किस टाइप का होगा, अर्थात पैराबोला होगा, इलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, तब बच्चों याद रखिएगा कि हम पहले उसका इसेंट्रिसिटी याद करेंगे। अगर इसेंट्रिसिटी का मान यदि एक के बराबर आ जाएगा बच्चों, एक के बराबर आ जाएगा बच्चों, तो उसको हम लोग बोलेंगे पैराबोला। अगर इसेंट्रिसिटी का मान एक से बड़ा आ जाएगा, एक से बड़ा छोटा नहीं एक से बड़ा आ जाएगा तो उसको बोलेंगे हाइपरबोला। अगर इसेंट्रिसिटी का मान एक से छोटा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, इलिप्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे इलिप्स बोलेंगे। तो हाइपरबोला, पैराबोला और इलिप्स इसेंट्रिसिटी से संबंधित टॉपिक था। इतने इसेंट्रिसिटी क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों ये जो टॉपिक था जितने भी बातें लिखी है अब हम इसको हम फिगर के द्वारा बता रहे हैं। इसको किसके द्वारा बता रहे हैं बच्चों, एक फिगर के द्वारा, एक फिगर खींच कर आपको इस पर जितना भी टर्म आया था सब टर्म को हम बताएंगे कि कोनिक क्या होता है, फोकस क्या होता है, डायलेक्टिक्स क्या होता है, डायलेक्टिक्स क्या होता है, उसके बाद इससे एक्सिस ऑफ कोनिक क्या होता है, उसके बाद बताएंगे बच्चों इससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वर्टेक्स ऑफ कोनिक क्या कहलाता है, बच्चों लेटर सेक्टम क्या होता है, बच्चों इसेंट्रिसिटी क्या होता है, इस सब के बारे में अभी हम फिर एक फिगर बना रहे हैं और फिगर के द्वारा स्पष्ट करके आपको दिखाएंगे कि क्या क्या यह होता है। ये तो आपको पहला पढ़कर इसको अच्छे से समझा दिए हैं, इसको सारे डिफिनेशन बता दिए हैं, इसमें जो टर्म्स उपयोग है उसके बारे में समझा है, इसमें प्रत्येक पॉइंट को आपको बारीकी से समझा दिए हैं। अब इसी कंसेप्ट को हम फिगर के द्वारा समझाना चाह रहे हैं ताकि आपके दिमाग में एक छाप उग जाए कि कोनिक सेक्शन वास्तव में होता है क्या। बच्चों यूट्यूब पर बहुत सा वीडियो आप देखे हुए इस वीडियो जो वीडियो काफी उससे अलग वीडियो है, ये वीडियो आपके गहराई को आपके दिल को छू जाएगा कि पैराबोला हाइपरबोला क्या होता है और ये किसके अंतर्गत आती है, अर्थात कोनिक सेक्शन के अंतर्गत आती है, कोनिक सेक्शन क्या होता है, इससे महत्वपूर्ण बातों का है ना कैसे कैसे इसके बारे में बातों का अध्ययन किया जाता है आज की इस वीडियो में आप लोग जरूर सीखते रहिएगा। तो चलिए फिगर के द्वारा हम स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि पैराबोला क्या है, इलिप्स क्या है, हाइपरबोला क्या है, वो अगले फिगर के द्वारा। फिलहाल हम अभी इस टर्म्स को दिखा रहे हैं कोनिक सेक्शन, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोनिक, उसके बाद वर्टेक्स ऑफ कोनिक, लेटर सेक्टम, इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक, इस सबको भी हम समझा रहे हैं फिगर के द्वारा बच्चों, ठीक है। तो चलिए फिगर के द्वारा देखिए, तो चलिए बच्चों देखिए एक सुंदर सा एक फिगर बनाते हैं। जैसे बच्चों हम ये मान लिए कि आकृति जो है एक वक्र रेखा की तरह लिए हैं, वृत्त की तरह ना लिए हैं, पूरा वृत्त नहीं है, वृत्त का छोटा सा पार्ट की जैसा लग रहा है बच्चों। यह जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं कोनिक, क्या बोलते हैं बच्चों, कोनिक बोलते हैं। अब इसको कोनिक हम कैसे बोलेंगे इसके बारे में और आगे देखेंगे। इसमें जो एक रेखा हम खींच रहे हैं ध्यान दीजिएगा, इस पर एक बिंदु ले रहे हैं, इधर एक रेखा ले रहे हैं और यह जो देख रहे हैं यह एक बिंदु ले रहे हैं, उसके बाद यह जो है ना ऐसे करके एक रेखा ले रहे हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा हम सब प्रत्येक टर्म को समझाएंगे कि क्या क्या कह रहा है। यह ले लिए इस पर जितना भी ले लिए ऐसे करके हम एक फिगर बनाए हैं, इस फिगर को गौर से देखिए बच्चों। अब आपके पास पीछे हम जो पढ़ाए थे कोनिक सेक्शन उससे संबंधित बातों का बात सब उसको नोट किए होइएगा, उससे इसका मिलान कीजिए। बच्चों देखिए हम बात पूर्ण पर्पज आपको बताएंगे और उसके मन महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताएंगे कि उसमें फिगर में क्या क्या होता है, कहाँ पर होता है, उसके बारे में बताएंगे। बच्चों पहला उसमें जो बात था वह है कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन क्या होता है, तो कोनिक सेक्शन बिंदुओं का एक क्या पथ है बच्चों, ध्यान दीजिए यह जो देख रहे हैं इस पर बहुत सा ये जो रेखा खींचा हो गया है अर्थात एक आकृति बनी हुई है, इससे बहुत सा बिंदु होगा, इसी बिंदुओं का जो पथ होता है इसी को हम लोग कोनिक बोलते हैं। इस पर चलिए कोई भी एक बिंदु ले लीजिए बच्चों, यहाँ पे एक बिंदु ले लिए, यहाँ पर इसी पर इन तक बहुत से बिंदु है, इस पर इससे कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, इस बिंदु की ये जो एक नियत बिंदु लिए हैं ये बिंदु, इससे दूरी
और इस बिंदु के इससे जो दूरी जो होगा इसका जो अनुपात होगा, इसका जो अनुपात होता है वह इक्वल होता है, अर्थात वह नियत होता है। क्या होता है बच्चों? वह नियत होता है। इस पर एक बिंदु यह लिए हैं, थोड़ी देर के बाद हम इस पर एक बिंदु और लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इस आकृति पे एक बिंदु और लेते हैं। इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी का अनुपात निकालेंगे। एक बिंदु इस पर और लेते हैं बच्चों, यहां से इसकी दूरी और यहां से ये जो लाइन जो है इस लाइन की दूरी का अनुपात लेंगे। हो सकता है आपका मन करे कि नहीं यहाँ पे एक बिंदु ले लीजिए, यहां से ना इसकी दूरी, इस बिंदु से दूरी और यहां से इसकी दूरी जो होगा इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए बच्चों, यह जो आकृति हम खींचे हैं अभी, ध्यान दीजिए बच्चों, यह जो आकृति हम अभी खींचे हैं उस आकृति पर हम क्या किए, चार बिंदु लिए हैं, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु और चार बिंदु। इस चारों बिंदु को हम इंडिकेट करते हैं ए बी सी और डी के द्वारा, ध्यान दीजिए ए बी सी के द्वारा, है ना, डी के द्वारा। यह जो बिंदु है इस बिंदु को हम इंडिकेट कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं एफ के द्वारा, और जो लाइन जो दिया हुआ इस पर जो बिंदु से ले रहे हैं पी क्यू आर एस ले रहे हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। अब ए से देखिए, ए इससे ना एक जो देखे हैं रेखा खींचे हैं, एक प्रकार का जो गोला जो है सर्किल है ना, सर्किल का छोटा सा पार्ट है, इस पर क्या किया है हम चार बिंदु लिए हैं ए बी सी और डी, चार बिंदु लिए हैं ए बी सी और डी। अब ए से क्या करें, एफ की लंबाई ज्ञात करेंगे, तो ए से एफ निकालेंगे तो एफ जो होगा, और ए से जो लाइन है इसका जो है दूरी निकालते हैं तो एपी होगा, तो एफ बटे एपी, एफ बटे एपी बराबर होगा बी एफ बटे बी क्यू, क्या होगा बी एफ बटे बी क्यू बराबर हो जाएगा सी एफ बटे सी आर, सी एफ बटे सी आर बराबर हो जाएगा डी एफ बटे डी एस, डी एफ बटे डी एस। यह सभी जो मान होगा वह ऑलवेज कॉन्स्टेंट होगा, क्या होगा बच्चों, ऑलवेज कॉन्स्टेंट होगा। तो देखिए बच्चों, हम कॉनिक सेक्शन जो टॉपिक लिखे थे उसमें लिखे थे कॉनिक सेक्शन बिंदुओं का एक पथ, कॉनिक सेक्शन इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, कॉनिक सेक्शन बिंदुओं का एक पथ है। देखिए यही बिंदु का पथ है, यही रास्ता है, यही है कॉनिक। कह रहा है विच मूव सस्ट जो इस प्रकार घूमती है कि द रेशियो, कह रहा है कि उसका जो अनुपात होता है, उसका जो क्या होता है अनुपात होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, कह रहा है इसमें जितना भी बिंदु होती, बिंदु का पथ है, इसमें जितना बिंदु होता है उसके एक निश्चित बिंदु से और एक निश्चित लाइन से जो दूरी का जो अनुपात होता है वो क्या होता है ऑलवेज कॉन्स्टेंट, वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा नियत होती है, वो हमेशा स्थिरांक होती है, नियतांक होती है, हमेशा नियत होती है। अर्थात हम इस पर चार बिंदु लिए, ए से एफ निकाले हैं, ए से पी निकाले दूरी, यहाँ पे ए बटी ए पी लिख लिए हैं, इसे बी ए बटे बी क्यू निकाल लेंगे, इसी प्रकार अदर जो है ना इसका अनुपात निकालेंगे। यह सभी आपस में क्या होगा बराबर होगा, अर्थात वो एक कॉन्स्टेंट होगा, अर्थात एक पूरा का मान चार आएगा, इसका भी चार आएगा, इसका भी चार, इसका भी चार, यही होता है कॉन्स्टेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं कोणिक, इसी क्या बोलते हैं बच्चों, कोणिक बोलते हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिए, यह जो देख रहे हैं, यह जो एफ देख रहे हैं, एफ यह कॉन्स्टेंट पॉइंट होगा, अर्थात यह फिक्स्ड पॉइंट होगा। इसे फिक्स्ड पॉइंट चाहे ना बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस, क्या बोलते हैं बच्चों, फोकस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं फोकस। और ये जो लाइन जो देख रहे हैं, जो फिक्स्ड लाइन जो देख रहे हैं बच्चों, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, क्या बोलते हैं बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। उसमें दो पॉइंट आया था कॉनिक सेक्शन में, एक आया था कि फिक्स्ड पॉइंट, तो फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, क्या कहलाता हुआ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कॉनिक बोलिए उसको, तो डायरेक्ट्रिक्स बोल सकते हैं, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कॉनिक। अब जी बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें गौर से देखिए इस फिगर को, इस फिगर को आप देख रहे हैं तो पता चल रहा होगा कि एक लाइन जो है, ये लाइन जो देख रहे हैं, लाइन जो है वह लाइन फोकस होकर गुजर रही है और इस लाइन पर परपेंडिकुलर, यह जो लाइन जो है वो लाइन फोकस होकर गुजर रही है और इस लाइन पर क्या परपेंडिकुलर है, तो बाबू इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ कॉनिक, क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सिस ऑफ कॉनिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्सिस ऑफ कॉनिक बोलते हैं। बच्चों जो एक्सिस ऑफ कॉनिक जो कहलाया, अब बच्चों ध्यान दीजिए यह कॉनिक है आपके पास, यह जो बिगे बना हुआ था
यह कोनिक है। अब कोनिक और एक्सिस ऑफ कोनिक का यह कटान बिंदु है बच्चों, ध्यान दीजिए बच्चों, यह क्या है, कटान बिंदु है। इस कटान बिंदु को बच्चों हम लोग बोलते हैं, इस कटान बिंदु को हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस कटान बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ कोनिक, वर्टेक्स ऑफ कोनिक बोलते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, एक्सिस ऑफ कोनिक और कोनिक का जो कटान बिंदु होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वर्टेक्स ऑफ कोनिक बोलते हैं। उसके बाद एक रेखा हम यहां पे खींचे एम एन, ध्यान दीजिए बच्चों, एक रेखा, वह रेखा एक प्रकार का जीवा होती है, जो कोड होती है जीवा होती है, या जो जीवा जो है, जीवा किसी वृत्त में जीवा है ना, अनगिनत जीवा दी जा सकती है, और सबसे बड़ी जीवा है ना वृत्त का व्यास ही होता है, डायमीटर जिसको बोलते हैं। यदि देख रहे हैं जब कोड है एमएन, जो जीवा है वह फोकस होकर गुजर रही है, किसको गुजर रही बच्चों, फोकस होकर, और एक्सिस ऑफ कोनिक पर यह क्या है, लंबवत होगी, एक्सिस ऑफ कोनिक क्या होगी, लंबवत होगी। इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं लैटस रेक्टम, क्या बोलते हैं बच्चों, लैटस रेक्टम बोलते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटस रेक्टम बोलते हैं। तो बच्चों आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि लैटस रेक्टम क्या होता है। तो लैटस रेक्टम जो होता है वह फोकस होकर गुजरती है और एक्सिस ऑफ कोनिक पर लंबवत होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं लैटस रेक्टम। तो हम इससे पहले आपको यह बताए थे उसके टर्म्स पर डिफिनेशन क्या क्या होता है, अब फिगर के द्वारा आप देख लिए हैं कि वह कैसे कैसे होता है। चलिए आपको उससे एक बार और मिलान करके आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, कोनिक सेक्शन जो होता है ना वो बिंदुओं का एक पथ है, बिंदुओं का एक पथ है, विच मूव सच दैट, जो इस प्रकार घूमती है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड ट्रायंगल जो ऑर्बिट कांस्टेंट, जो क्या होता है एक बिंदु से उसकी दूरी और एक लाइन से दूरी का अनुपात हमेशा क्या होती है, नियत होती है। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज ए फोकस एंड फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड एज ए डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोनिक, ए लाइन पासेस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर ऑन द एज ए डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोनिक इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ कोनिक, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ कोनिक एंड कोनिक इज कॉल्ड एज ए वर्टेक्स ऑफ कोनिक। अर्थात एक्सिस ऑफ कोनिक, ध्यान दीजिए बच्चों, एक्सिस ऑफ कोनिक और कोनिक का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अर्थात कटान जो बिंदु होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ कोनिक। ए कोट एक वैसी जीवा, एक कोट पासेस थ्रू द फोकस, एक कोट वैसी जीवा जो फोकस होकर पास करती है, एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कोनिक और पैरेलल एक्सिस ऑफ कोनिक पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, इज कॉल्ड लैटस रेक्टम। वो क्या कहलाती है बच्चों, लैटस रेक्टम कहलाती है। अब बच्चों एक बात आपको ये बता दें कि जो कांस्टेंट रेशियो जो होता है अर्थात ये देखे हैं, इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं ईसेंट्रिसिटी, क्या बोलते हैं बच्चों, ईसेंट्रिसिटी बोलते हैं, जो है ना कांस्टेंट रेशियो जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईसेंट्रिसिटी बोलते हैं। अब वही है, ईसेंट्रिसिटी का मान तीन बातों पर निर्भर करता है, एक बार वन हो जाएगा, एक बार ऐसे जीरो है ना, एक से बड़ा होगा, एक बार एक से क्या होगा, छोटा होगा, बराबर होगा तब पैराबोला को दर्शाएगा, बड़ा होगा तो हाइपरबोला को दर्शाएगा, छोटा होगा तो एलिप्स को दर्शाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा, इसमें आप लोग यह समझ गए कि कोनिक सेक्शन क्या होता है, उससे संबंधित कुछ रिलेटेड पॉइंट्स जो होता है वो क्या क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैराबोला क्या होता है, उससे अगले वीडियो में हम लोग है ना पैराबोला के पर आधारित क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है उससे पर बात करेंगे, फिर आगे के टर्म्स को हम आगे की ओर देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।